हाय गाइज, आज सरिता किचन कॉर्नर में बनाने जा रही हूँ मैं सूजी के हलवा। हाँ गाइज, किस किस को पसंद है हलवा? हाँ गाइज, हलवा के लिए मैंने घी गरम कर लिया है 2 चम्मच। अब इसमें मैं ये सूजी डाल दूँगी गाइज। तो ये मैं गणपति बप्पा के भोग के लिए मैं हलवा बना रही हूँ गाइज, अपने गणेश जी के लिए। हमारे घर में गणेश जी विराजे हैं, तो आज उनके लिए मैं हलवा बनाऊँगी गाइज। ठीक है, कभी कुछ कभी कुछ। गणेश जी को हर रोज़ बदल बदल के भोग लगाना चाहिए गाय, है ना? तो इसलिए मैंने सोचा अपने हाथों से गणपति बप्पा के लिए हलवा बनाऊं मैं। हाँ गाय, देखिए हम भून रहे हैं ना धीमी आंच पे। सूजी को एकदम ब्राउन होने तक भूनिए। दूध डालिए या शक्कर डालिए, मिठास के लिए गुड़ डालिए, आपकी मर्जी है ना? तो मैं ये सुनहरा होने तक भून रही हूँ। देखिए घी की कितनी अच्छी भीनी भीनी खुशबू आ रही है। किस किस को सूजी के हलवा पसंद है गाइस? सरिता किचन कॉर्नर को लाइक एंड सब्सक्राइब करना अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आती है तो, है ना गाइस? देखिए धीमी आंच पे मैं बनाऊंगी। हाँ गाइस, देखिए हमने ये एकदम ब्राउन होने तक भून लिया है और ये मैं दूध डालूंगी थोड़े से, है ना? दूध डाल के हलवा बहुत यम्मी, इस तरह से दूध डाल के बनाएंगे ना और भी अच्छा क्रीमी क्रीमी हलवा बनेगा आपका दूध के साथ, है ना? देखिए कितना बढ़िया हो रहा है ना हलवा सूजी का, है ना? किस किस को पसंद है गाइस? अब मैं देखिए मैं बस ये 1 से 1.5 चम्मच मैं शक्कर डालूँगी, क्योंकि मुझे शक्कर नहीं खाना, इसलिए मैं थोड़े से शक्कर डालूँगी। अब शक्कर के बिना हलवा तो बन नहीं सकता, है ना? आप खजूर डाल लीजिए, कोई से ड्राई फ्रूट डाल के बनाइए, लेकिन बाबा को फीकी हलवा कैसे खिलाएंगे गाइस? इसलिए मैंने 1 से 1.5 चम्मच शक्कर डाली है ना? देखिए कितना बढ़िया बन रहा है ना हलवा। हाँ गाइस, देखिए अब किसको किसको ये हलवा अच्छी लग रही है। देखिए भुरभुरी, एकदम भुरभुरी हलवा है ना? एकदम चिपकी नहीं है, ऐसे ही हलवा अच्छे लगते हैं हमारे घर में। एकदम चूर चूर हलवा हो, क्रिस्पी हो जाए, एकदम भुरभुरी। गीली वाली अच्छी नहीं लगती हमारे में, यहाँ सबको भुरभुरी चाहिए, एकदम सूखी हलवा। देखिए कितना बढ़िया बन गया ना। अब मैं गैस को बंद करती हूँ और आप लोगों के लिए परोसती हूँ। हाँ गाइस, अगर ये हमारी हलवा की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई हो तो सरिता किचन कॉर्नर को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। ये हमने आप ऊपर से अपना ड्राई फ्रूट्स डाल दिया गाइस, और ये हमने तुलसी के पत्ते डाल दिए, है ना? अब आप लोगों को हमारी ये हलवा की रेसिपी पसंद आया हो सरिता किचन कॉर्नर को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए गाइस।